Hey everyone, hello and welcome back to my new video. This is Dr. Deepmala Tripathi and I hope you all are doing well. So, aaj ka video bahut zyada interesting hone wala hai. It is going to be about surgery and Ayurveda. So, ye bahut zyada demanded question hai and mera comment section pura filled rehta hai isse whether we can become a surgeon after BMS or not. And I can understand the curiosity as well as the ambition of new students that unko surgeon banna hai ya to gynec banna hai. सो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर प्रतीक जोशी. ही इज डूइंग एमएस फॉर्म आर्यपोदा मेडिकल कॉलेज हियर एंड ही इज माय कलीग एंड सेकंड ईयर रेसिडेंट. सो आई एम गोइंग टू आस्क ऑल योर डाउट्स टू हिम. सो होपफुली आज हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स गो फॉर इट. हेलो डॉक्टर प्रतीक. हेलो डॉक्टर दीपमाला. सो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल. आज मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ रिलेटेड टू सर्जरी एंड बीएमएस. सो आर यू रेडी टू आंसर ऑल ऑफ देम? यस आई एम रेडी. सो हम मेरे चैनल में मोस्टली देर आर स्टूडेंट्स जो इंस्पायर है टू डू बीएमएस और नीट देने वाले हैं या तो जो बीएमएस कर रहे हैं बट दे हैव नो आइडिया कि आयुर्वेद और सर्जरी कैसे वर्क करता है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एज यू आर समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग एमएस आफ्टर बीएमएस सो आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हाट यू फाइंड डिफरेंस बिटवीन एमबीबीएस एमएस एंड अ बीएमएस एमएस. बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं होता है. बेसिक सर्जरी दोनों कर सकते हैं, मतलब एम बी बी एस एम एस वाला भी और बी एम एस एम एस वाला भी. बी एम एस एम एस वालों के लिए आयुष ने एक 39 सर्जरी मतलब कि बताई गई है जो अपने गैजेट में बताई गई है. उसमें सिंपल में मतलब कि जो हम नहीं कर सकते और इवन बी एम एस सॉरी एम एस एम बी बी एस एम एस नहीं कर सकते वो है जो मैलिग्नेंट प्रोसीजर जो है सर्जरी में उसके लिए मतलब कि सर्टिफाइड मतलब एम सी एच सर्टिफाइड और ऑनकोलॉजिस्ट लगता है. मतलब एग्जांपल जैसे कि हिपेटो में अगर कोई कैंसर रहेगा और उसकी सर्जरी करानी है तो एमबीबीएस एमएस वो सर्जरी नहीं कर सकते. उसके लिए स्पेशलाइज मतलब कि एमसीएस सर्टिफाइड थ्रू एक ऑनकोलॉजिस्ट और हिपेटोबिलियरी सर्जन लगता है. और हमारे में जो भी बिनाइन प्रोसेस जितने भी है तो वो हम कर सकते हैं. ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दिस इज एजुकेशन वाइज एंड व्हाट वी आर अलाउड टू डू एंड नॉट अलाउड टू डू. सो व्हाट यू थिंक मनी वाइज लाइक आफ्टर बीएमएस एमएस एंड अ एमबीबीएस एमएस वेयर दे स्टैंड एंड द व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम अगर हम मनी वाइज देखने जाए तो. मनी वाइज भी देखने जाए तो मतलब कि आप बेसिक स्किल देखोगे मतलब कि मिनिमम तो 30,000 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम अपना आपके नाम पे और आपकी स्किल पे डिपेंड करता है और आप सर्विस कैसे देते हो तो वो भी डिपेंड करता है. 5 स्टार में दोगे तो उसका ज़्यादा चार्ज होगा, अगर मतलब कि आप 3 स्टार में दो उसके ज़्यादा चार्जेस वैसे अकॉर्डिंग रहेंगे. ओके सो बेसिकली हम स्किल्स के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है. yes. कि हम कितना अर्न करते हैं. ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज बीएमएस एमएस एवरेज मतलब आई नो दिस क्वेश्चन इज नॉट आंसरेबल या हम एकदम एक्यूरेटली नहीं बोल सकते लेकिन एक टेंटेटिव नंबर कि एक बीएमएस एमएस इस नंबर के बीच में अर्न कर सकता है. बेसिक स्किल मतलब कि स्टार्टअप अपन देखेंगे तो 30,000 से लेके 1 लाख तक अपन ये बेसिक जो स्टार्ट करते हैं मतलब कि आफ्टर कंप्लीटिंग एमएस तो वो बेसिक इतना अपन वो अर्न कर सकते हैं. आफ्टर प्रैक्टिसिंग के बाद मतलब कि 3 इयर्स 5 इयर्स के बाद वो 2 to 3 lakhs depending upon the surgery, कौन सी surgery कर रहे हैं उसके according वो charge कर सकते हैं. Okay, so as you are someone जिसने आयुर्वेद पढ़ा है 5 साल and अभी भी हम पढ़ रहे हैं साथ में तो modern surgery तो as महाराष्ट्र में हम practice कर रहे हैं तो हमको allowed है तो हम modern medicine use करते हैं, उनके ways follow करते हैं. But आपके हिसाब से मतलब आयुर्वेद का क्या role है surgery में? Okay, out of the महाराष्ट्र मतलब कि allowed प्रैक्टिस करना मतलब कि उनको परमिशन नहीं है, पर वो आयुर्वेदिक अप्रोच कैसा करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. वो आयुर्वेदा में होलिस्टिक अप्रोच अपनाते, मतलब स्थानिक और सार्वधिक संप्राप्ति पे काम करते. स्थानिक संप्राप्ति यानी कि क्या, एग्जाम्पल जैसे कि एनोरेक्टल है तो एनोरेक्टल जगह पे एनएस के वहाँ पे मतलब कि इंटरनल मेडिसिन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं. तो जो इंटरनल मेडिसिन रहते हैं वो खाली एनएस के लिए नहीं रहता, मतलब एनोरेक्टल डिजीज के लिए नहीं रहता, ऑल ओवर द बॉडी के लिए रहता है. और आयुर्वेदिक मेडिसिन का दूसरा ये यूज रहता है कि वो अग्नि को बल देता है, मतलब कि जो भी अपनी व्याधि है आयुर्वेदिक में बताया गया है वो अग्नि के वजह से ही होता है. अग्नि मतलब कि बेसिकली आप जाठर अग्नि मतलब कि अपन जो डाइजेस्टिव पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज बीएमएस एमएस व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या हमें रिस्ट्रिक्शंस आते हैं?
रिस्ट्रिक्शन में मतलब कि ऐसा रहता है कि सभी इंस्टीट्यूट जो रहते हैं वहाँ पे जो गैजेट में बताई गई जो सर्जरी है वो सभी प्रैक्टिस होती है या नहीं होती वो मैं श्योरली नहीं बोल सकता। मोस्टली इन जनरल एनोरेक्टल हाइड्रोसिल हर्निया ऑर्थोपेडिक और बाकी की जो सर्जरी रहती है वो मोस्टली परफॉर्म मेरे हिसाब से नहीं होती, होती रहेगी, मेरा नॉलेज उसके हिसाब से थोड़ा सा कम रहेगा मतलब कहाँ पे होती कहाँ पे नहीं, पर आयुर्वेदिक अप्रोच जितनी भी होती है वो अपन कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आता है। मतलब कि डिफिकल्टीज जो बोलते हैं कि बाबा जो भी आती कॉम्प्लिकेशन तो उसके अपन उसको अपन वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई ओके प्रॉब्लम नहीं। सो एज अ सेकेंड ईयर रेसिडेंट ऑफ एमएस बीएमएस एमएस सो मुझे ये पूछना है कि अब तक आपको कौन कौन से सर्जरी के एक्सपीरियंसेस आए? मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ वहाँ पे एनोरेक्टल सर्जरी ज़्यादा परफॉर्म होती है, एब्डोमिनल सर्जरी में अम्बिलिकल हर्निया इंग्वाइनल हर्निया ये सब अपेंडिक्स ये सब परफॉर्म होते हैं, और मैंने मतलब कि वो असिस्ट भी किए और मतलब कि इंडिपेंडेंटली भी किए गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आर्य पोद्दार का सर्जरी सीट कैसा है? आर्य पोद्दार का सर्जरी सीट बेस्ट है, जिसको एनोरेक्टल सीखना है तो वो आर्य पोद्दार की सीट आप डेफिनेटली ले सकते हो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इट इज नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन बट आई वांट टू आस्क कि अब तक आपके जो भी एक्सपीरियंस है उसमें कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी शेयर करें जिसमें आयुर्वेद का भी रोल था अ सर्जिकल केस सक्सेस स्टोरी विथ आयुर्वेदा. ओके तो एक रिकरेंट फिस्टुला का पेशेंट था, तो रिकरेंट का फिस्टुला का पेशेंट जब हमारे पास आया तो हमने अग्नि का विचार किया मतलब कि होलिस्टिक अप्रोच से कि अग्नि उसका कैसे अच्छा किया जाए। दूसरा मतलब कि लोकल एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग थी तो वहाँ पे हमने आयुर्वेद में तो बहुत सारी मेडिसिन बताई गई है पर हमने मतलब कि अकॉर्डिंग टू लक्षण और पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग हमने उस पेशेंट में मतलब कि वीरंगादि योग करके एक योग बताया है सुश्रुत ने, तो उसका सिद्ध तेल हमने वहाँ पे वॉश दिया मतलब कि एक्सटर्नल ओपनिंग में, तो वो रिकरेंट फिस्टुला का जो चांसेस थे आगे तो उसके परसेंटेज कम हो गए। साथ में हमने मतलब उसका पार्शियल फिस्टुलोटॉमी किया पर फिर से न हो और वूंड हीलिंग अच्छे से हो तो उसके लिए हमने मतलब कि वीरंगादि योग सिद्ध तेल से उसका हमने वॉश देना स्टार्ट किया। ओके एनी और अदर केस? दूसरा मतलब कि एक इंटरेस्टिंग केस है, 69 ईयर्स एक ओल्ड लेडी है तो उसको नॉन हीलिंग अल्सर है, नोन के साथ में कॉग्स भी है और हाइपरटेंशन भी, और स्किन ग्राफ्टिंग उनका रिजेक्ट हुआ था तो हमारे पास जब आई तो उसका पेशेंट का वोंड नॉन हीलिंग जो हुआ अल्सर है वो देखने और उसकी प्रकृति देख के हमने सुश्रुत में जो मिश्रक गण में लाक्षादी गण बताया तो लाक्षादी गण का एक स्पेसिफिक वो श्रेष्ठ दुष्ट वृणग्न है तो वो उसका हमने लेप प्लस इंटरनल उसका काढ़ा बना के पिलाया और बाकी की इंटरनल मेडिसिन दी और त्रिफड़ा का हमने उस वुंड को वॉश किया और पहले जात्यदि अग्रुत करके उसका हम बैंडेजिंग करते थे, जात्यदि अग्रुत का अधिकार मतलब कि प्रमेय पीड़िका में, तो उसकी HbA1c नॉर्मल थी पर उसकी फास्टिंग और कभी 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 पीपी रेज होती रहती तो वो उसके लिए मैंने जात्यदि अग्रुत पहले मतलब कि एप्लीकेशन किया, फिर उसका शुगर नॉर्मल आने के बाद मैंने व्रण शोधक तेल का बैंडेजिंग किया तो उसका अभी ट्रिमेंडस रिजल्ट है और अभी खाली सुपरफिशियली स्किन रह गया है क्लोज होने के लिए। ओके थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस एंड आई होप हम ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे और आपके पास और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज रहेंगी टू शेयर विद ऑल ऑफ अस. वी विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एंड इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट डॉक्टर प्रतीक जोशी. आई विल मेंशन हिज यूजर आईडी हियर इंस्टाग्राम का. ऑल्सो दे हैव वन पेज कॉल्ड एज सर्जरी बॉयज जिसमें वो चार कलीग्स हैं वो मिलके सर्जिकल पोस्ट करते हैं उसमें. सो आप वो भी फॉलो कर सकते हो टू सी वेरी इंटरेस्टिंग केसेस. ऑल्सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक फॉर दिस वीडियो माई डियरेस्ट फ्रेंड डॉक्टर आदित्य. यू कैन इवन फॉलो हिम ऑन डर्मेट अकेडमी. आई विल मैंशन हिज यूजर आई डी हियर. डर्मेटोलॉजी रिलेटेड पोस्ट करता है सो इवन यू कैन फॉलो हिम. सो स्टे कनेक्टेड फॉर द फर्दर वीडियोज. आई होप वी विल कम अप विथ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट यू वॉन्ट. इफ यू गाइज वॉन्ट एनी टॉपिक दैट जिसके बारे में आपको डाउट है या आपको क्लियर करना है प्लीज मेंशन देम इन माय कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली शूट इट अबाउट इट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.